रुमाली रोटी बनाने के लिए मैं एक कटोरी मैदा रखी हूँ और एक कटोरी आटा है। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से ही बना सकते हैं, पर मैं दोनों को मिक्स करके बनाऊँगी, आटा आटा और मैदा। और ये आधा चम्मच जितना नमक है, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे, और एक चम्मच तेल है, और ये दूध है, इससे मैं आटा लगाऊंगी। आटा और मैदा दोनों को मैं एक बर्तन में डाल के अच्छे से मिला ली। अब इसमें ये नमक डाल देते हैं और एक चम्मच तेल डाल देते हैं। सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैं नमक और तेल डाल के अच्छे से मिला ली। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और सॉफ्ट डोट तैयार करेंगे। आप चाहे तो पानी से भी आटा लगा सकते हैं, पर दूध से लगाने से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा रुमाली रोटी, इसलिए मैं दूध से आटा लगा रही हूँ। मैं सॉफ्ट डो बना ली। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल और लगा देते हैं। और 1-2 मिनट के लिए इसको और हम अच्छे से गूंथ लेते हैं, और 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। 15 मिनट हो गया है, अब आटा सेट हो गया है। अब हम रुमाली रोटी बनाएंगे। तो गैस पर हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इस तरह की अल्मोनियम की कढ़ाई होगी तो आप इस तरह की कढ़ाई पे बना सकते हैं, नहीं तो लोहे की कढ़ाई पे बनाइए। अल्मोनियम की कढ़ाई में या नहीं तो फिर लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, ये नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बना सकते हैं हम। तो ये मैं अल्मोनियम की कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी हूँ। पहले हम ऐसे सीधा कढ़ाई को रखते हैं गर्म होने के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर हम कढ़ाई को उल्टा कर देंगे। तब तक हम इधर एक कटोरी में 1 चम्मच नमक डाल के रखे हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के और नमक का घोल तैयार कर लेते हैं पतला सा। कढ़ाई गर्म हो गया था तो मैं इसको उल्टा करके रखती, और मैं तब तक रुमाली रोटी बेल लेती हूँ। तो इसके लिए मैं आटा में से थोड़ा सा पाट ले लूँगी। जितना बड़ा या छोटा बनाना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़े से सूखे मैदे में इसको हम लपेट लेते हैं। अब इसको पतला बेलेंगे। थोड़े थोड़े सूखे मैदे लगा के इसको हम बेलते जाएंगे। इसको बहुत पतला में बेल ली, देख सकते हैं, हाथ पे उठाते हैं तो उंगली दिख रहा है, बहुत पतला में बेली हूँ। थोड़ा सा इसको हम ऐसे हाथ के सहायता से बढ़ा सकते हैं, ऐसे उछाल उछाल के बढ़ा सकते हैं। ये नमक का पानी जो हम तैयार किए थे इसको थोड़ा सा हम ये कढ़ाई पे छिड़क देंगे। इससे कढ़ाई में एक बार कोटिंग हो जाएगी तो रोटी अच्छी बनेगी। बस इसको पकने देंगे। एक साइड से पक गया है, इसको अब हम उलट देते हैं। और ऐसे हम इसको कपड़े से जांच के इसको अच्छे से घुमा घुमा के पका लेंगे। ये रोटी पक गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। एक और रोटी में बेल ली, इसको हाथ से नहीं हम बेलन से उठा के दिखाते हैं। इसको हम ऐसे बेलन पे लपेट लेंगे और ऐसे ही उठा के एक कढ़ाई पे हम ऐसे इसको डाल देंगे। एक तरफ से पक गया है, इसको अब हम उठा के उलट देते हैं।
ऐसे कपड़े से घुमा घुमा के हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा के हर तरफ से पका लेंगे। ये पक गया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।